हाय गाइस, मैं हूँ डॉली और मेरे चैनल का नाम है डॉली फातिमा। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पैजामा कटिंग, कुंदेदार पैजामा कैसे कट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये फैब्रिक है 1 मीटर यानी 40 इंच इसकी लेंथ है और इसका गज है 54 इंच। मैंने फैब्रिक को डबल कर लिया है। डबल करने के बाद फिर हम फोल्ड करेंगे। इसकी मोहरी है 13 इंच। 13 इंच में हम हाफ करेंगे, 6.5 इंच, और हमको 1 इंच मार्जिन चाहिए स्टिचिंग के लिए, तो हम 14 इंच टोटल लेंगे और यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 7 इंच 7 इंच ये डबल पार्ट हो जाएंगे। इसको हम बिल्कुल ऊपर तक के प्लेन करके बिछा लेंगे। ऊपर से 1/2 इंच लाइन करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग करके निकल जाएगा। और फिर हम +2 इंच नेफे के लिए रखेंगे। नेफा मोड़ने के लिए 2 इंच रखेंगे हम फैब्रिक को। फिर यहाँ पर भी लाइन करेंगे। और जहाँ पर नेफा हमने मार्क किया था वहाँ से हम 13 इंच लेंथ का निशान लगाएंगे इंची टेप रखते हुए। और 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे भी ले लेंगे नीचे फोल्ड के लिए, मोहरी फोल्ड करने के लिए। पैचे की मोहरी यहाँ पे 2 इंच करीब फोल्ड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा रखना हो तो आप ज़्यादा रख सकती हैं फोल्डिंग के लिए। अब इसको स्केल की हेल्प से हम लाइन कर लेंगे। अब हिप है 28 इंच, तो 28 इंच का 1/2 14 इंच। 14 इंच हम लेंगे हिप की चौड़ाई। पहले हम कुंदे का निशान लगाएंगे यहाँ से। कुंदे यानी घुटना, घुटना है 19 इंच। हमने जहाँ पे नेफे का निशान लगाया था 2 इंच का, वहाँ से लेके हम घुटने तक के 19 इंच पे मार्क करेंगे यानी 19 इंच पे। फिर इसको स्केल से हम लाइन कर देंगे। अब 14 इंच का निशान लगाएंगे ऊपर से हम। हिप है 28 इंच और 21 इंच का 1/2 14 इंच और +1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। इसको भी लाइन कर लेंगे। और इसकी लंबाई 14 इंच है। 14 इंच में हम 2 इंच माइनस करेंगे तो ये यहाँ पे क्रॉच एरिया बन जाएगा और यहाँ पे कुंदे लग जाएंगे। नेफे से लेके नीचे तक के हमने 12 इंच रखा है और इसको हम स्केल की हेल्प से लाइन करेंगे तिरछा। और जो इसकी नाप होगी उसका हम 1/2 करेंगे। हमें सेंटर में निशान लगाएंगे और यहाँ पे 1 इंच
लाइन जो खींची है उससे 1 इंच हम डाउन की तरफ निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पे हम इसको शेप देंगे राउंड राउंड। कुंदेदार पैजामे की कटिंग इसी तरीके से होती है, ये एक कली का पैजामा है, शेप दे देंगे यहाँ पे। अब ये कटिंग करेंगे यहाँ से, और यहाँ से कटिंग करते हुए नीचे तक लाएंगे जिसको मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ से इस तरीके से निशान लगा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कहाँ कहाँ पे हमें कटिंग करना है। ये देखिए आप ठीक से देख लीजिए, यहाँ पे घुटने की यानी कुंदे की लंबाई है 19 इंच। 19 इंच यहाँ पर निशान था, वहाँ से हमने क्रॉच एरिया पे स्केल की मदद से आड़ी लाइन खींची, फिर हमने उसे शेप दिया। अब से कटिंग कर लेंगे हम। इसे कटिंग कर लेंगे। कुर्ते के ऊपर ये पैजामा पहना जाता है। और बहुत अच्छा लगता है पहनने में पैजामा, बहुत ही कंफर्टेबल होता है ये पैजामा पहनने में, क्योंकि इसमें कली पड़ी होती है। इसको कुंदेदार पैजामा बोलते हैं, इसको कली पैजामा बोलते हैं। ये एक कली का पजामा बनता है, तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें इसको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, और जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी अपडेट भी आपको मिल सके। अब मैंने एक कली कट कर ली थी, अब मैं दूसरी कली ऐसे ही कट करूँगी। पहले मैंने लाइन खींच ली है फैब्रिक का जो नीचे रखा था उस पर, हाफ हाफ इंच निशान लगाते हुए मैंने पहले स्केल से लाइन कर ली है। यहाँ पर पैचा है, वहाँ से हमने उस लाइन के ऊपर रखा है, फिर वहाँ से हमें डबल फैब्रिक है उस पर हम निशान लगा लेंगे। जो कटिंग हमने की थी पैजामे की कली की, उसी को हम ऊपर रखते हुए सिर्फ 2 कलियाँ निकालेंगे, क्योंकि एक कली पैचे में जॉइंट है और एक कली हम अलग से इसमें लगाएंगे। तो ये हो गया सिंगल कली का पैजामा। इसकी कटिंग कैसे की जाती है आपके समझ में आ गया होगा। ये 2 पार्ट थे, इसको हम भी इसे कट करेंगे। ये 10 इयर्स बॉय के लिए है,
पजामा जो बड़े हैं उनके लिए 2 मीटर में पजामा बन जाएगा। देखिए ये कली बन कट चुकी है और इसको हम स्टिचिंग कर लेंगे इसी में। जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तो आपको दिखाएंगे। अब इसकी हम मियानी यानी इसकी हम रुमाली कट करेंगे। इसके 6 इंच लेंथ रखेंगे हम मियानी की। इसको फोल्ड करेंगे 2.5 इंच नीचे से चौड़ाई होगी और 1 इंच ऊपर की चौड़ाई होगी। इसको हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट कर लेंगे। इसमें भी और शेप देंगे हल्का सा। गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी इसकी स्टिचिंग की Part 2। और आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मुझे ज़रूर लाइक करें। थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माई वीडियो।